देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक खुशहाल सरकार दोबारा से बनी और पिछले 9 सालों से हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है उनकी नीतियों को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि आपको लेकर ईडी का कहीं ना कहीं दबाव था आपके और आपके परिवार के लेकर, तो इसलिए आप बीजेपी में शामिल हुए। आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। सोनीपत से मेयर निखिल मदान आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। निखिल जी, मेरा पहला सवाल, बीजेपी में शामिल हुए हैं, वजह क्या रही है कांग्रेस को छोड़ने की? जो आज पिछले 15 साल जो गए और आज तीसरी बार जो मतलब हमारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक खुशहाल सरकार दोबारा से बनी और पिछले 9 सालों से हरियाणा में जो बीजेपी की सरकार है उनकी नीतियों को देखते हुए, देश हित के जो हमारे काम हुए देश हित के लिए उनको देखते हुए, जो देश में आज एक विकास कार्य हुए उनको देखते हुए, मैं इससे प्रभावित होकर मैंने आज बीजेपी में शामिल किया। क्या ये भी कहा जा रहा है कि आपको लेकर ईडी का कहीं ना कहीं दबाव था आपके और आपके परिवार के लेकर, तो इसलिए आप बीजेपी में शामिल हुए? मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे ऊपर आज तक किसी ने कोई FIR देखी है, कोई ऐसा कागज़ देखा है? तो जो ये बात फैला रहे हैं ना, वो अपने आप से ही परेशान है। उनको ये समझ आ रहा है कि भाई आज ये इतना बड़ा निर्णय जो निखिल ने लिया है ये कैसे लिया है, और जो ये बात और जो ये भ्रम फैला रहे हैं, मैं समझता हूँ भ्रम की बातें हैं। शहर में जनता ये बात जानती है, जनता को पता है, सोनीपत की जनता इस बार जब चुनाव आएगा जो ये बात फैलाने वाले उनको आईना दिखाने का काम भी, क्योंकि चुनाव के नज़दीक जब आदमी शामिल होता है तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है आपने बीजेपी के सामने, ऐसी कोई चर्चा आपकी नेताओं से हुई है? अभी मेरे इस कार्यकाल में समय है, 1.5 साल का समय है। दूसरा, मैं पार्टी के अंदर एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ, ना कोई कमिटमेंट है, ना कोई हमारी टिकट की बात है, ना कोई हमने कोई कंडीशन रखी है, सिर्फ पार्टी से प्रभावित होकर पार्टी के जो आज इतने अच्छे देश हित के कार्य हैं उनको देखते हुए मैंने आज भारत जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन किया। तो बिल्कुल, ये थे निखिल मदान जिन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।